औरंगाबाद जिले में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह ने किया। इसकी सुविधा और बैंकों से हटकर है। इसमें यह सुविधा है कि इसमें केवल खाता खुलवाएं और पोस्टमैन के द्वारा लेन देन कर सकेंगे। इसे जानकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता, वरीय प्रबंधक रोहित कुमार वर्णवाल, मैनेजर अमित कुमार उपस्थित थे। जनधन के बाद देश के अंदर ये दूसरा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है हमारे पोस्ट ऑफिस जंगल जंगल में भी है, पोस्ट ऑफिस पहाड़ों तक में भी है, गाँव गाँव में पोस्ट ऑफिस है। इसलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से गाँव का अंतिम व्यक्ति भी लाभान्वित होगा और उसे बैंक की सारी सुविधाएं मिलेगी जो किसी बैंक को खाता होने पर उसे मिलता है। इसमें 1 लाख रुपए तक अधिकतम को जमा कर सकता है और जमा निकासी की ऐसी सुविधा है कि डाकिया उसका पैसा उसके अंगूठे के निशान के आधार पर उसके घर लाकर पहुंचा देगा। इससे कोई फ्रॉड नहीं हो सकेगा, आदमी को अपने घर में अपना पैसा पहुंच जाएगा। इससे और अच्छी सेवा और सुविधा क्या हो सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले जनधन योजना शुरू किया, उसके माध्यम से अभी तक देश के अंदर 30 करोड़ से भी अधिक वैसे लोग बैंकों से जुड़े, वैसे लोगों का खाता बैंक में हुआ जो आज तक बैंकों से दूर हो, उनका कोई खाता किसी बैंक में नहीं। और ये जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की होता है, ये दूसरा बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति भी लाभान्वित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश के लिए ये ऐतिहासिक फैसला है, देश के अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा और घर बैठे इसका लाभ मिलेगा, उसके अंगूठे के आधार पर उसको उसका पैसा मिलेगा। इसलिए उसमें जालसाजी की भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं। नेशन 24 के लिए औरंगाबाद से नीरज कुमार सिंह के साथ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।